श्रीमान जी जनतंत्र है, यहाँ पर क्या है, जनतंत्र है, जनता का अधिकार है। इससे तो हम लोग तो इनके गुलाम हो गए हैं, कबंधुआ मजदूर हो गए किसान। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन है कि इस वेदना को समझें। अगर किसान रोड पर आ गया, वो किसान में एकता हो गई, और अगर एक साल किसानों ने अपना उत्पादन नहीं किया तो 135 करोड़ जनता को नेता लोग जो है खिला के बता दें हमको। जहां एक और मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फसलों के दाम कम मिलने पर गाडरवारा के किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। गाडरवारा की अनाज मंडी में मूंग की फसलों के ढेर लगे हुए हैं। कम भाव मिलने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में भाव व्यापारी तय कर रहे हैं, जिससे उन्हें फसल का सही भाव नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान कर्ज में डूबने की कगार पर है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की जो फसलों का मूल्य निर्धारण किया गया है, गाडरवारा जो मंडी है उसमें इन चीज़ों का प्रतिपालन नहीं किया जा रहा है। व्यापारी जो अपने मन मर्जी से चाहते हैं उस हिसाब से जो है मूंग को खरीद रहे हैं। हमारी मूंग का जो मूल्य है वो 7200 रुपया प्रति क्विंटल है, पर और जो प्रतिनिधि होता है मंडी का किसानों की तरफ से होता है, वो जो है व्यापारियों से पूछता है कि किसान की जो है मूंग इसका मूल्य क्या निर्धारण किया जाए, जबकि इसका अधिकार जो हमारा प्रतिनिधि है किसान का होता है। यहाँ पर क्या है, जनतंत्र है, जनता का अधिकार है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि हम लोग जो है जनता का अधिकार नहीं है। हमने जो मुख्यमंत्री महोदय जी बना दिए हैं, हमने जो जो अधिकारी चल रहे हैं मंडी के प्रतिनिधि बना दिए हैं, तो इन महोदय को अधिकार है। हम लोग तो इनके गुलाम हो गए हैं, बंधुआ मजदूर हो गए किसान। मजदूरों को जो बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। इनकी समस्या का हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन है कि इस वेदना को समझें। अगर किसान रोड पर आ गया, वो किसान में एकता हो गई, और अगर एक साल किसानों ने अपना उत्पादन नहीं किया तो 135 करोड़ जनता को नेता लोग जो है खिला के बता दें हमको। खिला नहीं सकते। हमारे किसानों में अगर एकता हो गई तो हमारा केवल ये निवेदन है, इस चीज़ को हमको मजबूर ना करें कि हम अनाज का उत्पादन बंद करें। इसलिए जो है हमारा निवेदन है, हमारे हितों की रक्षा की जाए। माननीय हमारी जो समस्या आ रही है का किसानों की जो मूंग है दर दर मारे फिर रहे हैं, 3 दिनों से हम मंडी में पड़े हुए हैं, जो आज है 2000 क्लियर है, 3000 क्लियर है, और आज सरकारी रेट है उसका 7200। तो 7200 किसानों की मूंग लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर आज सीएम जी से भी आप पूछ लो कि आज कितने की मूंग बिक रही है, कितने की नहीं बिक रही। तो मेरे साथियों, ऐसे सीएम जी से और चाहे कलेक्टर साहब से चाहे कोई से, आज हमारे एसडीएम साहब जी कौन की बात कर रहे हैं, आज व्यापारियों की बात कर रहे हैं कि आज एसडीएम साहब जी का कह रहे हैं कि व्यापारी अपने मन का भाव लेंगे, तो मन का भाव नहीं चलेगा। आज जो हमारी किसान के 7200 का भाव है, वही 7200 का भाव लेना पड़ेगा। चाहे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसानों के बीच में लड़ रहा हूँ, किसानों के बीच में मैं मर भी जाऊँ तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंडी में मूंग की फसल लेकर आए किसानों की माने तो मंडी में समय पर अधिकारियों द्वारा बोली नहीं करवाई जा रही है, जिसके चलते आढ़ती बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी फसलों को कम भाव लगा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते किसान पहले से ही परेशान है, और साथ में मौसम की मार ने किसान को कर्ज की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मंडी में व्यापार मांग पूर्ति के सिद्धांत से करता है, और मंडी में कड़ी स्पर्धा के साथ खरीद होती है, तो मंडी में रेट कम मिलने का तो सवाल ही नहीं है किसान को। और आज का जो प्रकरण है,
वो सारा प्रकरण एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत है। मात्र एक या दो ढेरी का नीलाम हुआ था मूंग में और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। किसानों के रूप में असामाजिक तत्वों ने शराब पीकर आज हंगामा किया है, जो ना तो कोई किसान है और ना किसान नेता है। ऐसे लोग अगर मंडी में आए दिन हंगामा करते रहे और व्यापारियों के साथ अभद्रता करते रहे, गाली गलौज करते रहे, तो हमको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को व्यापारियों ने साजिश बताया। जब इस बारे में गाडरवारा एसडीएम राजेश शाह से बात की गई तो उनका कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। इस होने के कारण से मूंग में जो अभी जो मूंग आ रही है उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, मूंग गीली भी है और कुछ खराब भी हुई है, जिसके कारण से अब उनकी जो मूंग के भाव गिरे हैं। मंडी में मांग और पूर्ति के सिद्धांत से जो कीमतें बहुत कुछ तय होती हैं, अभी किसानों को भी समझाइश दी गई है, हमारी सभी व्यापारियों से भी चर्चा हो रही है और शीघ्र ही चर्चा करके हम गतिरोध को समाप्त कराएंगे। हर कोई किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है, लेकिन तमाम वादों और दावों के बावजूद किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन किसानों की मदद के लिए कब आगे आता है और किसानों को उनकी फसल का उचित भाव मिल पाता है या नहीं। गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।